अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद अली। दोस्तों मैं आज आपको HIV टेस्ट करना सिखाऊंगा, पॉजिटिव HIV कैसे होती है। दोस्तों उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर कोई भी इशू हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ HIV कैसे पॉजिटिव कैसे आती है, मैं आपको चेक करना सिखाऊंगा। सबसे पहले हमें HIV के लिए टेस्ट करने के लिए उसकी किट चाहिए होती है। HIV किट आप देख सकते हैं, ये HIV की किट है। इस पर लिखा हुआ है HIV, इसकी एक्सपायरी भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लिया आपने ये HIV की किट। अब मैं इसको खोलूँगा HIV किट को। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस किट को ओपन कर दिया। आप देख सकते हैं ये HIV की किट है, इस पर लिखा हुआ है HIV। आप देख सकते हैं दोस्तों इसके ऊपर ये लिखा हुआ है सी और टी। सी मतलब कंट्रोल, टी मतलब टेस्ट। अगर सी के नीचे एक लकीर आ गई तो समझो ये नेगेटिव है, अगर टी के नीचे भी एक लकीर आए तो मतलब टेस्ट है, मतलब पॉजिटिव है। दोनों के नीचे एक रेड लाइन आए तो समझो ये पॉजिटिव है, ये HIV है। अगर सी के नीचे आए, टी के नीचे नहीं आए तो समझो ये नेगेटिव है HIV। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, ये थी HIV की किट। अब दोस्तों हमें सबसे पहले 1 cc पेशेंट का सैंपल लेना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी ले लिया है। देख सकते हैं ये 1 cc मैंने सैंपल लिया हुआ है, ये 1 cc सैंपल है। ठीक है, अब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ये है हमारी सेंट्रीफ्यूज मशीन। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें हम एक सैंपल एक दूसरे के आगे सैंपल रखेंगे ताकि ये सपोर्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सेंट्रीफ्यूज में डाल देता हूँ। मैंने इसको सेंट्रीफ्यूज में डाल दिया है, ये सेंट्रीफ्यूज हो रहा है हमारा। ये सेंट्रीफ्यूज हमारा 1 मिनट में 5000 राउंड लगाता है। ठीक है, इसे हम 5 मिनट तक, 4-5 मिनट तक छोड़ेंगे, उसके बाद हम इसको निकालेंगे तो इसके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो ऊपर हो जाएंगे और रेड ब्लड सेल नीचे हो जाएंगे। हम जो है ना वाइट ब्लड सेल में से रिपोर्ट लगाते हैं। इसका वाइट ब्लड सेल मैं निकालूंगा इसमें तकरीबन 50-60 ml तक। ये हमारा ड्रापर, हम इसे ड्रापर बोलते हैं। ये हमारी किट में से ही निकलता है। दोस्तों जब तक हमारा ये सैंपल सेंट्रीफ्यूज हो जाए तब तक हम थोड़ा वेट करते हैं। स्टार्ट हो गया। दोस्तों हमारा सैंपल सेंट्रीफ्यूज हो गया होगा, अब हम इसको मशीन को ऑफ करेंगे। ठीक है, मैंने ऑफ कर दिया, उसके बाद हम सैंपल को निकालेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सैंपल को निकाल दिया, ये हमारा सेंट्रीफ्यूज हो गया है सैंपल। अब हम इसके वाइट ब्लड सेल निकालेंगे इसमें से। मैंने इसके वाइट ब्लड सेल निकाले, मैं
दोस्तों हम इसके वाइट ब्लड सेल जो है ना इसके अंदर दो ड्रॉप्स गिराएंगे, एक दो, दो ड्रॉप्स गिरा दिए इसमें, गिरा दिए। दोस्तों मैंने इसमें दो ड्रॉप्स डाल दिए हैं इसके वाइट ब्लड सेल के। अब ये हमारा एचआईवी का बफर है, दो तीन ड्रॉप इसके मैं इसके अंदर डालूँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं, एक दो तीन ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर डाल दिए। आप देख सकते हैं ये जो सीरम है थोड़ा आगे बढ़ रहा है। जब तक ये इसकी रिजल्ट आउट हो जाए हम थोड़ा वेट करते हैं दोस्तों। तब तक मैं आपको एचआईवी के बारे में कुछ बताता हूँ। जिस पेशेंट को एचआईवी होती है ना वो बीमार रहता है, वो खुश नहीं होता, वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। दोस्तों जब तक ये क्लियर हो जाए हम थोड़ा वेट करते हैं। दोस्तों मैं अगले स्टेप में आपको ब्लड शुगर चेक करना सिखाऊंगा एट होम। ब्लड शुगर कैसे चेक करते हैं वो इजीली मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा ऑन कॉल EZ11, ये हमारा मीटर है, इस पर हम शुगर टेस्ट कर सकते हैं। आप घर बैठे ही शुगर चेक कर सकते हैं। मैं आपको ये दूसरी वीडियो में चेक करना सिखाऊंगा। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, ताकि मैं आपको दूसरी न्यू वीडियो दिखा सकूं। दोस्तों बस दो मिनट और लगेंगे, ये रिज़ल्ट जब तक क्लियर हो जाए मैं आपको बता दूँ। दोस्तों 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब इसकी रिज़ल्ट आउट हो गई है। मैं आपको अब इसकी रिज़ल्ट दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें सी के नीचे और टी के नीचे दोनों लकीर आई है। अगर सी के नीचे आती तो मतलब कंट्रोल था, अब टी के भी नीचे आ गई है मतलब ये टेस्ट है, मतलब ये जो पेशेंट है ना वो एचआईवी का मरीज़ है। अगर सी पे आती है टी पे नहीं आती तो मतलब ये नेगेटिव थी एचआईवी। अब सी के नीचे भी आई है, टी के नीचे भी आई है, मतलब टेस्ट के नीचे भी आई है, मतलब ये एचआईवी पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं ये हमारा एचआईवी का पेशेंट। दोस्तों ये एचआईवी हमारी लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं, सिर्फ इसका कंट्रोल है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी एचआईवी की टेस्ट। दोस्तों तो कैसे लगी मेरी ये वीडियो, अगर अच्छी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको दूसरी टेस्ट करना सिखाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।